जयदेव बाबू का शहादत दिवस जो हम लोग पटना में मनाए थे उसकी तैयारी समिति का बैठक पटना सिटी में हम लोग थे। वहां जब हम बैठक में गए तो वहां के लोग बोल रहे थे कि ये पटना जो है बीजेपी और आरएसएस का गढ़ है। हमने कहा कि आपको अपना इतिहास का पता नहीं है, ये पटना नहीं पाटलिपुत्र है और पाटलिपुत्र सम्राट अशोक और बुद्ध का विरासत है, ये बीजेपी का गढ़ नहीं है और आने वाले समय में अपने विरासत पर हमें कब्जा करना है। अमर शहीद जयदेव प्रसाद के लड़ाई को हमें समझना पड़ेगा, उनकी लड़ाई क्या थी। कोई विधायक बनने का था, कोई सांसद बनने का था, मुख्यमंत्री का था या प्रधानमंत्री का था, उनकी लड़ाई 90% के लोगों के लिए हर क्षेत्र में 90% हर खिलाड़ी की लड़ाई थी और वो तभी संभव है जब मानववादी विचारधारा पर चल करके हर राज्य में और केंद्र में सत्ता पर बैठने का काम करेंगे। लेकिन हमारे बहुजन समाज का कुछ लोग हैं जो उनके गोद में बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं। जयदेव बाबू का सपना तो पूरा हो गया ना, भारत का प्रधानमंत्री 90 का है, मुख्यमंत्री 90 का है, राष्ट्रपति 90 का है और कुछ बाकी है। सपना पूरा हो गया 90 का है, लेकिन 10% वालों का गुलामी और तलाशी करने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों से जयदेव बाबू का सपना साकार नहीं होगा। पूर्व काल से ही पूरे देश में दो विचारधारा चलते आ रहा, जिस विचारधारा को जयदेव बाबू ने लेकर के चला, बाबा भीमराव अम्बेडकर लेकर चले, गौतम बुद्ध लेकर चले, ज्योतिबा राव फुले और सावित्री बाई बाई फुले लेकर के चले, वो विचारधारा है मानववादी विचारधारा। और मानववादी विचारधारा कहता क्या है, जान मानने से पहले अच्छी तरह जान लीजिए, मानने से पहले अच्छी तरह जान लीजिए। और उन लोगों का क्या विचारधारा है, मनोवादी विचारधारा, वो कहता है कि आपको जानने की जरूरत नहीं है, जो मैं कहता हूं उसको चुपचाप मान लीजिए। और जब तक हम लोग मनोवादी विचारधारा पर चलते रहेंगे तब तक जयदेव बाबू का सपना साकार नहीं होगा। जयदेव बाबू ने जो हमारे लिए संदेश दिया उस संदेश को अपनाकर उनके रास्ते पर चलने का काम नहीं किया। वो संदेश क्या था, ऊंची जाति के लोगों के लिए उन्होंने कहा था कि तुम लोगों ने हमारे बाप दादाओं से हरवाही और चरवाही करवाने का काम किया है, हम तुम्हारा राजनीतिक हरवाही और चरवाही नहीं किया। लेकिन हमारे लोग उसी के गोद में बैठे हुए। इसके बाद एक बात उन्होंने और कहा, साफ संदेश दिया था हम 90% के लोगों के लिए कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है। और इस औरंगाबाद के हमारे 90% के लोग ने आजादी से आज तक बाघ को ही रखवाला बनाने का काम किया। इसी का परिणाम है छोटू मुनिया का हत्या और सुजीत का हत्या और रामचरण का हत्या। हम ये कहते हैं हमारे परिजनों का हत्या होता है, हमारे ऊपर अत्याचार होता है, हमें शोषण किया जाता है, लेकिन उसे अत्याचार और हत्या और शोषण करने के लिए उसको ताकत देने वाले लोग कौन है। उसकी उतनी आबादी है, उसका उतना ताकत है 10% वालों का, एक बार बिता सकता है वो। हमारे ताकत से वो पार्लियामेंट में जाता है, हमारे 90% के ताकत से असेंबली में जाता है, हमारे 90% के लोगों के ताकत से मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है। और वो ताकत हम लोग देते हैं और वही ताकत मिलने के बाद
हमारे ही लोगों को शोषण करता है, इस तथ्य का मुख्य लड़ाई को समझना पड़ेगा। यहां समझना पड़ेगा, आज सुमन वर्मा जी ये बात बोल रही थी ना, मैं प्रशासन को, मैं एसपी को, मैं सबसे मिला हूं, लेकिन कोई मेरा सुन नहीं रहा है। आखिर क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि जो धमकी देने वाला है, धमकी देने वाले ही लोगों के लिए हमारे ताकत से बिहार में सरकार चल रहा है, वो उसका संरक्षण देने का काम कर रहा है। अगर 90% लोगों को न्याय चाहिए, 10% वालों को सरकार को मिटाना पड़ेगा, चाहे उस लाइन में कोई भी खड़ा हो। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैं कहा करता था, केवल दो ही धारा है, तीसरा कोई धारा नहीं है, एक जगदेव बाबू का धारा है और एक मनोहर जी का धारा है। आपको सोचना है किस धारे में जाना है। मैं आने वाले 25 के चुनाव में भी कहता हूँ, पूरे बिहार में दो ही धारा चलेगा, एक जगदेव बाबू पे हत्या करने वाला जो लोग है एक लाइन में रहेगा, और जगदेव बाबू के जो सपना को साकार करने वाले लोग एक लाइन में रहेंगे। आपको तय करना है कि आपको किस लाइन में खड़ा रहना है। दोनों नहीं चलेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि एनडीए का जो भी प्रत्याशी आएगा वो जीतेगा, बीजेपी को मजबूत करेगा, आरएसएस को मजबूत करेगा, और जब आरएसएस और बीजेपी मजबूत होगा तो बुद्ध अम्बेडकर जगदेव का विचारधारा कमजोर होगा। तो हमें बुद्ध अम्बेडकर जगदेव का विचारधारा को कमजोर करने वालों को साथ देना है कि जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर साथ में चलने वालों को साथ देना। और स्पष्ट बात, मैं आप लोगों से मैं शपथ लेने आया हूं कि सभी लोग हाथ उठाकर शपथ लीजिए, आने वाला 25 के चुनाव में हम जगदेव बाबू के पीछे धारा के साथ खड़े रहेंगे। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।